हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे टू गुड के बारे में। जो मुझे रिप्लेसमेंट जो मुझे फ़ोन आया है उसके बारे में, उसको हम अनबॉक्स करेंगे और बताएंगे जो मुझे रिप्लेसमेंट में जो फ़ोन मिला है वो कैसे मिला, क्योंकि रिफंड करने के समय मुझे बहुत प्रॉब्लम आया था। तो अगर उसके बारे में नहीं जानते आप, तो नीचे आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दो लिंक मिल जाएगा वीडियो का, आप देख लीजिए, आपको सारा चीज़ आसानी से समझ में आ जाएगा और आपको ये भी आप क्लियर हो जाएंगे कि टू गुड से कोई भी फ़ोन परचेस करना चाहिए या नहीं चाहिए। तो अभी तो हम वो छोड़ देते हैं, हम देखते हैं कि रिप्लेसमेंट में मुझे फोन कैसा मिला है। रिफंड तो नहीं मिला। ये रहा फोन अनबॉक्सिंग के बाद, और पैकेजिंग में बिल्कुल सेम है और बहुत अच्छा आपको पैकेजिंग मिल जाता है। और यहाँ पर आपको डिस्प्ले में थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि इसमें कोई गम वगैरह पड़ा हुआ है, और यहाँ पर अभी तक तो मतलब कोई भी स्क्रैच वगैरह नजर में नहीं आ रहा है। और जैसे पहले का फोन था तो उसमें थोड़ा सा डेंट वगैरह था और बहुत प्रॉब्लम था। अगर आपको नहीं पता उसके बारे में, उस प्रॉब्लम के बारे में, तो आप नीचे वीडियो देख सकते हैं। तो अभी तक तो बाहर से मुझे कोई भी प्रॉब्लम नज़र में नहीं आया। और इस फ़ोन के बैक पैनल में जो IMEI नंबर है और जो डायल करने से जो IMEI नंबर आता है वो बिल्कुल दोनों अलग है, तो आप समझ सकते हैं कि क्या हुआ फ़ोन के साथ। और इसका जो डिस्प्ले है, मुझे लगता है कि ये डुप्लीकेट डिस्प्ले है, ओरिजिनल डिस्प्ले नहीं है। और अभी तक वो तो और भी कुछ नहीं नज़र में आया, क्योंकि लेकिन छोटा छोटा स्क्रैच वगैरह है वो ठीक है, वो हम उतना कुछ तो नहीं देखते हैं। अगर आप कोई भी रिफर्बिश्ड फ़ोन खरीदते हो तो आपको छोटा स्क्रैच आपको देखने को मिल जाएगा, और कोई दिक्कत नहीं है। लोगों में थोड़ा सा दिक्कत है, आपको डिस्प्ले में थोड़ा सा दिक्कत मुझे लग रहा है, क्योंकि आपको दिखाना पड़ेगा फ़ोन कोई भी स्टोर पर जाकर, तो वो आसानी से बता देगा कि ये ओरिजिनल है या फिर डुप्लीकेट। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये डुप्लीकेट है, फिर भी एक बार चेक कर लेता हूँ मैं। और भी कुछ प्रॉब्लम अगर आता है यूज़ करने के बाद, क्योंकि जो मेरा पहला फ़ोन था तभी तो मुझे प्रॉब्लम देखने को नहीं मिला था, मैंने यूज़ नहीं किया था, लेकिन इसको मैं एक महीना यूज़ करूँगा। ये फ़ोन मेरे लिए नहीं है, लेकिन मैं एक महीना इसको यूज़ करूँगा, फिर जाके आपको बताऊँगा कि कैसा फ़ोन है। और मैंने तो टू गुड से बता दिया था कि अगर आप टू गुड से फ़ोन खरीदते हो तो 90% लोगों का फ़ोन अच्छा नहीं मिलता, रिस्क पे खरीदना। आपको दिखा तो जो भी पैकेज में मिला है बिल्कुल सेम मिला है, कोई भी अलग कुछ नहीं है। तो और कुछ दिन बाद यूज़ करने के बाद आपको इसके रिलेटेड आपको एक वीडियो मिल जाएगा। और मैं डायरेक्ट आपको बता देता हूँ कि आपको टू गुड से अगर कोई भी फ़ोन परचेज कर रहे हो तो सुपर कंडीशन में करना। तो अगर आप रिफंड कर सकते हो या फिर आप उतना प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो जो आपको प्रॉब्लम आया होगा, तो तभी आप लेना, क्योंकि इसके रिव्यू बहुत ख़राब है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू।